नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं लेके आई हूँ रबड़ी मिनी गुलाब जामुन, जो कि हम बनाएंगे ब्रेड से। तो उसके लिए हमें, देखिए, हमने 4 स्लाइस ली है ब्रेड की, और चारों स्लाइस की हमने आइट साइड की किनारे हटा दी है। चाकू से आप निकाल सकते हैं किनारे, अगर आप किनारे लेंगे, किनारे सहित अगर आप लेंगे तो आपके हार्ड हो सकते हैं फिर गुलाब जामुन। इसलिए हमें क्या हार्ड नहीं करना है, हमें सॉफ्ट गुलाब जामुन चाहिए। तो हम इसलिए हमें किनारे निकालनी ज़रूरी है ताकि हमारे गुलाब जामुन सॉफ्ट बने। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये 4 स्लाइस हमने ली किनारे निकाल के ब्रेड की। आप कोई सी भी ब्रेड ले सकते हैं, छोटी बड़ी जो भी आप लेना चाहते हैं। और बिगर चाशनी के बताऊंगी मैं ये गुलाब जामुन। तो हम बिना चाशनी के गुलाब जामुन बना रहे हैं। तो हमने ये ब्रेड ब्रेड को हमने चूरा कर लिया है, हाथों से अच्छे से चूरा कर लिया इस तरीके से, देखिए आप। और अब हम कुनकुने दूध को हम थोड़ा थोड़ा कर कर इसमें डालेंगे और डो बना लेंगे इस तरीके से। ये देखिए, इस तरीके से डो बना लिया हमने। अब इसे साइड में रख देंगे हम, हमें ढीला नहीं करना है। हमें ये 4 ब्रेड में हमने 3 से 4 चम्मच हमें लगा है दूध, तो आप उस हिसाब से आप देख सकते हैं। फिर से मैं बोल रही हूँ आपको कि आपको ना डो टाइट रखना है और ना ही ज़्यादा ढीला करना है। हमें ऐसा रख करना है कि जैसे हम मावे के गुलाब जामुन कैसे बनाते हैं, इस तरीके से हमें डो रखना है ताकि हमारे गुलाब जामुन सॉफ्ट रहेंगे और अच्छे से लोई हम बना सके, हमारी लोई भी नहीं फटे। तो इसलिए आप टाइट सख्त रखेंगे तो आपका गुलाब जामुन फट सकते हैं। तो इसका ध्यान रखिएगा कि थोड़ा सा सॉफ्ट करिए ये। और अब साइड में रख देंगे उसको, हम डो को थोड़ा रेस्ट करने देंगे। और अब हमने दूध लिया है, आधा लीटर दूध लिया है, और उसमें आधा कटोरी शक्कर डालेंगे हम इसमें, और इलायची पाउडर भी हम डाल देंगे इसमें, आधा चम्मच इलायची पाउडर डाल रहे हैं हम। और अच्छे से चलाते हुए हमें इसे उबालना है धीमी आंच पर। और अब हमारे, जब तक हमारी रबड़ी होती है, जब तक हम, हमारा डो ने भी रेस्ट कर लिया है अच्छे से, हमने ये देखिए मसल लिया इसे और आटे जैसा अच्छे से कर लिया है हमने। हमने ज़्यादा टाइट भी नहीं करा है और ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं, एकदम ज़्यादा ढीला भी नहीं करा और ज़्यादा टाइट भी नहीं करा है हमने। ये हमने ठीक डो करा है ताकि हम लोई बना सके अच्छे से, ये देखिए। और अब इसे हम रख देंगे, ये हमारी रबड़ी हो रही है। अब ये रबड़ी भी हमारी इधर हो गई है, हमारी रबड़ी होती जब तक हम बना लेंगे बॉल गुलाब जामुन की। ये देखिए, हमारी रबड़ी भी हो गई है, ये हमारी रबड़ी हो गई अच्छे से, बढ़िया सी रबड़ी हो गई है। और अब हमने ये बॉल भी हमारी रेडी हो गई है, हमने बॉल भी बना ली है। तो ये देख सकते हैं आप, है ना, कितनी फिनिशिंग से बॉल बनी है, एकदम चिकनी और बिल्कुल ठीक बॉल बनी है हमारी। तो हम इस तरीके से हम सारी बॉल बना लेंगे, हमने ये सारी बॉल बना ली है। और अब आपके हिसाब से छोटी बड़ी आप बनाना चाहें, मैंने मिनी गुलाब जामुन बना रही हूँ इसलिए मैंने थोड़ी छोटी बॉल करी है। और अब हम, तेल हमारा गर्म हो गया है, धीमी आंच रखेंगे और अब एक एक करके बॉल डाल देंगे इसमें तेल में। आप घी में भी बना तल सकते हैं, दोनों तेल या घी किसी में भी आप कर सकते हैं। और अब थोड़ी देर बाद हम इसे हिलाएंगे तेल में ये, और ये हो गई, देखिए कितनी बढ़िया सी। हमें डालते से ही नहीं हिलाना है क्योंकि थोड़ी देर हमें उसे रखना है ताकि एक आधा मिनट के करीबन, और फिर हिलाना है हमें तेल में। अच्छे से हिलाते हुए फिर हमने ये कर ली बॉल, देखिए कितनी बढ़िया सी बॉल हो गई ना। अब इसे हम ये रबड़ी में डाल देंगे। अब
गरम गरम रबड़ी में हमें डालना है, रबड़ी को ठंडी नहीं होने देना है, गरम रबड़ी में डालेंगे तो अच्छे से ये आपके गुलाब जामुन पी लेंगे, क्योंकि हमने चाशनी में नहीं करना है, हमने रबड़ी को ही चाशनी बनाई है। तो इसका ध्यान रखिए, हमें रबड़ी में ही डालना है और अच्छे से बढ़िया से हो जाएंगे। तो आप गरम रबड़ी में डालेंगे ना तो बहुत अच्छे से मतलब ये पी लेंगे क्या, क्योंकि चाशनी तो बनाई नहीं है, बिगर चाशनी के बना रहे हैं ना हम, तो इसलिए हमने रबड़ी गुलाब जामुन का पूरा उस तरीके से, हमने पूरी रबड़ी गुलाब जामुन को पूरे तरीके से रबड़ी जैसा ही रबड़ी गुलाब जामुन ही बनाया है हमने। जैसे कि कुछ लोग चाशनी में करते हैं और फिर रबड़ी में डालते हैं, तो हमने वैसा नहीं करा है, हमने 2-in-1 काम करा है कि बिल्कुल रबड़ी गुलाब जामुन का मतलब यानी रबड़ी गुलाब जामुन। तो गरम रबड़ी में डाल दीजिए ये सारे गुलाब जामुन तल के, ये देखिए इस, और रख दीजिए थोड़ी देर, आधा घंटे के लिए करीबन रख देंगे हम इसे ढक के, ये आधा घंटे के लिए रख देंगे सारे, ये सारे गुलाब जामुन हमने इसमें रबड़ी में डाल दिए हैं, और अब आधे घंटे के लिए हम रख देंगे ढक के इसे, आधे घंटे बाद देखेंगे। ये देखिए है ना कितने बड़े हो गए ना, चाशनी भी अच्छे से पी लिए, अच्छी रबड़ी अच्छे से पी ली उनने, रबड़ी और चाशनी दोनों का कॉम्बिनेशन ना 2-in-1 काम हो गया ना, है ना, चाशनी की ज़रूरत ही नहीं पड़ी हमने, और रबड़ी में ही हमने मतलब गुलाब जामुन को अच्छे से कर लिया है। तो ये बिगर चाशनी के रबड़ी गुलाब जामुन कैसे लगे फ्रेंड, मुझे आप ज़रूर बताइएगा मेरा तरीका कैसा लगा आपको। जैसे बहुत से लोग तो चाशनी में करते हैं फिर उसके बाद रबड़ी ऊपर से डालते हैं, तो मैंने वैसा नहीं करा है, मैंने पूरे रबड़ी गुलाब जामुन को रबड़ी गुलाब जामुन जैसा ही बनाया है, कि मैंने रबड़ी की ही चाशनी बना ली है, रबड़ी को ही चाशनी समझ के, और उसमें तो आप देखिए आप कितने अच्छे से गुलाब जामुन हो गए ना, आधा घंटे तक रखा हमने, आधा घंटे बाद हमने देखा तो ये देखिए आप कितने छोटे छोटे से बनाए थे हमने मिनी गुलाब जामुन, तो आप ये देख सकते हैं। तो फ्रेंड ये थी मेरी आज की वीडियो, मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले, अगली बार फिर मिलते हैं हम एक नई वीडियो के साथ। देखिए और हमने डेकोरेट कर दिया है इससे, पिस्ते से हमने डेकोरेट कर दिया है, अब कितना बढ़िया से लग रहा है ना हमारे रबड़ी गुलाब जामुन, खाने के लिए बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो गए हैं क्या। तो आप खाइए, आनंद लीजिए रबड़ी गुलाब जामुन का, भगवान को भी भोग लगाइए। तो प्लीज़ ये थी आज की मेरी वीडियो, मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, अगली बार फिर मिलते हैं एक ऐसी ही नई वीडियो के साथ। बाय बाय।